मैं हूं अदीबा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा यूक्रेन की हिमायत जारी रखेगा। कैनेडियन वजीर आजम का रैली से खिताब, अमन की वापसी तक यूक्रेन के साथ खड़े हैं। कनाडा की हुकूमत यूक्रेन को मजीद हथियारों की फरामी कर रही है। टोरंटो में मौसम सरमा के एक और तूफान की आमद। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से वार्मिंग जारी कर दी गई। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया कि 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। शहरियों को दौरान ड्राइविंग एहतियात का मशवरा। बिजली की बंदिश का भी खदशा। गूगल का कुछ कैनेडियन शहरों की खबरों तक रसाई को रोकने का फैसला। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि गूगल के इकदाम पर तशवीश है। गूगल की कैनेडियन शहरियों तक खबरों की रसाई को रोकना संगीन गलती है। इटली में तारकीने वतन की कश्ती को हादसा। 28 पाकिस्तानियों समेत 59 अफराद जां बहक। कश्ती में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के तारकीने वतन सवार थे। मरने वालों में एक शेरख्वार बच्ची और मुतादद बच्चे शामिल हैं। नेटो इत्तेहादी हमें स्ट्रेटेजिक शिकस्त देना चाहते हैं। रूसी सदर का कहना था कि इन हालात में हम उनकी जौहरी सलाहियतों को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। मगरिब यूक्रेन के जुराम में शरीक है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इकोफ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट, इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने टोरंटो में एक रैली से खिताब करते हुए कहा है कि कैनेडा यूक्रेन की हिमायत करेगा जब तक कि रूस मुल्क के खिलाफ जंग जारी रखे हुए है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने टोरंटो में एक रैली में 1000 से ज्यादा अफराद को बताया कि कैनेडा यूक्रेन की हिमायत करेगा जब तक कि रूस मुल्क के खिलाफ जंग जारी रखे हुए है। ट्रूडो का कहना था कि यहाँ कैनेडा में हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और हम यूक्रेन के साथ उसकी हर चीज के साथ खड़े होंगे जब तक कि हम यूक्रेन में अमन वापस न देखें। ट्रूडो ने कहा कि हिफाजत के हुसूल के लिए जंग के आगाज से ही 1,67,000 से ज्यादा यूक्रेन कनाडा आए हैं। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा की हुकूमत यूक्रेन को मजीद हथियारों की फराहमी कर रही है, जिसमें 4 इजाफी लियोपर्ड, 2 अहम जंग के टैंक भी शामिल हैं, जिससे कनाडा की शराकत को 8 टैंकों मिलाया गया है। कनाडा बख्तरबंद बाजियाफ गाड़ी और 5,000 से ज्यादा राउंड गोला बारूद का अतिया भी करेगा। रैली में ट्रूडो ने कहा कि कनाडा के फौजियों ने 35,000 से ज्यादा यूक्रेन बाशिंदों को तरबियत दी है। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने शुरका को बताया कि सूबे ने 60,000 से ज्यादा यूक्रेनी महाजरीन को रिहाइश, सेहत की देखभाल, तालीम और मुलाजमतों की तलाश में मदद फराहम की है। कनाडा की वजीर खारजा मिलानिया जूली का कहना है कि कनाडा यूक्रेन की हिमायत में जारी रखे हुए है, यहाँ तक कि चीन जंगबंदी के मुतालबात के साथ खुद को इस मसले में दाखिल करता है। मिलानिया जूली ने एक इंटरव्यू में कहा, हम सब अमन के बारे में बात करने के हक में है, लेकिन अगर चीन वाकई में अमन चाहता है तो रूस से यूक्रेन से निकलने के लिए कहने की जरूरत है। प्यूतन के यूक्रेन पर हमला करने के 1 साल बाद कनाडा रूसी जारियत से दूर यूक्रेन वॉर्ड की मदद के लिए पुरअज़म रहा। जंग के मैदान से जो कुछ भी चल रहा है उसका असर मुज़ाकरात की मेज़ पर होगा, उन्होंने कहा, और इसी तरह हम यूक्रेन को अपना दिफा करने में मदद करने के काबिल हैं। जब हम अमन पर बातचीत करने की बात करते हैं तो हम यूक्रेन को मजबूत पोजिशन में डाल सकेंगे। चीन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया गया। चीनी तजवीज़ में रूस पर मगरबी पाबंदियों के खात्मे का भी मुतालबा किया गया है, जिसे जूली ने बर्खास्त कर दिया। कनाडा ने जुमे के रोज मजीद पाबंदियां आयद की और ऐलान किया कि वो यूक्रेन को 4 मजीद अहम जंगी टैंक भेजेगा।
एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो और जनूबी ओंटारियो के लिए मौसम सरमा के आने वाले तूफान से पहले मौसम की खसूसी बयानात जारी कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो और बेशतर जनूबी ओंटारियो के लिए मौसम सरमा के आने वाले तूफान से पहले मौसम के खसूसी बयानात जारी कर दिए गए हैं। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से पीर के रोज़ टोरंटो में 204 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से पीर की दोपहर या शाम में शहर में बारिश और झालाबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं बिजली की बंदिश का सबब बन सकती हैं। मौसमियाती एजेंसी की जानिब से कहा गया है कि शहरियों को सफर के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करना चाहिए और बाहर निकलने से पहले सूरत हाल का जायजा लेना चाहिए। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक टोरंटो, हैमिल्टन और नियाग्रा फॉल्स जैसे इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है, जबकि बर्फ और जमने वाली बारिश से सर्निया, लंदन और कनगार्डियन के इलाके मुतासिर हो सकते हैं। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि इन्हें इस बात पर तशवीश है कि गूगल कुछ कैनेडियन शहरियों के लिए खबरों तक रसाई को महदूद कर रहा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि उन्हें इस बात पर तशवीश है कि गूगल कुछ कैनेडियनों के लिए खबरों तक रसाई को महदूद कर रहा है। ट्रूडो का कहना है कि टेक जॉइंट ने फैसला किया है कि वो कैनेडियनों को अपने काम के लिए तनख्वाह देने वाले सहाफियों के बजाय खबरों तक रसाई से रोकेंगे, जो एक बड़ी गलती है। गूगल ने इस हफ्ते के शुरू में तस्दीक की थी कि वो अपने कैनेडा के 4% सार्फीन के लिए ऑनलाइन खबरों तक रसाई को रोक रही है, जिसमें कंपनी का कहना है कि लिबरल हुकूमत के ऑनलाइन न्यूज एक्ट के जवाब में एक मुख्तसर अलमियात इम्तिहान है, जिसकी वो मुखालफत करता है। इस बिल में डिजिटल इदारों जैसे गूगल और मेटा, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक हैं, के लिए कनाडा की मीडिया कंपनियों को उनकी खबरों के मवाद की नुमाइश या लिंक फराहम करने के लिए मुआवजा देने के लिए मुहैदों पर बातचीत करने की जरूरत होगी। पार्लियामेंटरी बजट ऑफिसर ने कहा कि ये बिल खबरें बनाने के लिए उनके 30% अखराजात का अहाता करके डिजिटल प्लेटफॉर्म की तलाफी करेगा। ट्रूडो का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था, ये एक ऐसा मसला है जो उसे परेशान कर रहा है। ट्रूडो ने कहा, यह वाकई मुझे हैरत में डालता है कि गूगल ने फैसला किया है कि वो असल में सहाफियों को अपने काम की अदायगी के बजाय कनाडा के बाशिंदों को खबरों तक रसाई से रोकेंगे। मुझे लगता है ये एक खौफनाक गलती है और मैं जानता हूँ कि कैनेडियन तवक्को करते हैं कि सहाफियों को अपने काम की अदायगी की जाएगी। इटली में तारकीन वतन की कश्ती को हादसे में 28 पाकिस्तानियों समेत 59 तारकीन वतन जान बहक हो गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इटली में तारकीन वतन की कश्ती को हादसे में 28 पाकिस्तानियों समेत 59 तारकीन जाँ बहक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इटली के सूबे क्रोटोन में जुनूबी साहिल के करीब ना हमवार समंदर में 140 से ज्यादा तारकीन वतन को ले जाने वाली कश्ती चट्टानों से टकरा कर तबाह हो गई, जिसके नतीजे में बच्चों समेत कम अज कम 58 अफराद हलाक हो गए। कश्ती पर सवार 28 पाकिस्तानियों की लाशें निकाल ली गई, जबकि 12 पाकिस्तानी ताहाल लापता है, जिनकी तलाश जारी है। लकड़ी की ये कश्ती कई रोज कबल तुर्की से रवाना हुई थी, जिसमें अफगानिस्तान और दीगर कई ममालिक के लोग सवार थे। मुकामी हुकाम के मुताबिक मरने वालों की तादाद 59 है, जबकि 81 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है, जिनमें से 20 को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इटली में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने और अतालवी हुकाम ने बताया है कि डूबने वाली कश्ती पर 40 पाकिस्तानी सवार थे। हादसे में तमाम पाकिस्तानियों की हलाकत का खदशा है। 28 की लाशें मिल गई हैं, जबकि बाकी ईमानदार लाशों की तलाश जारी है। मैरीटाइम एजेंसी से मिलकर पाकिस्तानियों की तलाश और लाशों की वर्षा तक मुंतकली के इंतजाम किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कश्ती में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के तारकीन वतन सवार थे। मरने वालों में एक शीरख्वार बच्ची और मुतादिद बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तानियों का ताल्लुक गुजरात, खारियां, मंडी, बहाउद्दीन से बताया जा रहा है। पाकिस्तान में वालदैन अपने बेटों की लाशों के मुंतजर हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान का कहना है कि हम इटली के साहिल पर डूबने वाले बहरी जहाज में पाकिस्तानियों की मुमकिन मौजूदगी से मुतालिक रिपोर्ट्स पर गहरी नजर रखे हुए हैं। रोम में पाकिस्तान का सिफारत खाना अतालवी हुकाम से हकायक जानने के लिए रबते में है। वाजह रहे कि समंदरी रास्ते से यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करने वाले तारकीन वतन के लिए इटली एक अहम लैंडिंग पॉइंट है, जहाँ वस्ती बहीरे रोम के रास्ते को दुनिया के खतरनाक तरीन रास्तों में शुमार किया जाता है। तारकीन वतन की बैनुल अक्वामी तंजीम मिसिंग माइग्रेंट प्रोजेक्ट के मुताबिक 2014 से अब तक वस्ती बहीरे रोम में कम अज़ कम 20,333 अफराद जाबहक और लापता हो चुके हैं। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इटली में कश्ती हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानियों के डूबने को तशवीशनाक करार देते हुए दफ्तर खारजा को हिदायत की है कि जल्द हकाइक से कौम को आगाह करे। वजीर आजम ने एक ट्वीट में कहा कि इटली में कश्ती के हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानियों के डूबने की खबरें इंतहाई परेशान कुन और तशवीशनाक है।
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरब पर इल्ज़ाम आयद किया है कि मगरब यूक्रेन के जराइम में शरीक है। वो रूस को तकसीम करने और वसी मुल्क को कमज़ोर छोटी रियासतों में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरब पर इल्ज़ाम आयद किया है कि मगरब यूक्रेन के जराइम में शरीक है। वो रूस को तकसीम करने और वसी मुल्क को कमज़ोर छोटी रियासतों में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। गैर मुल्की खबर रसा अदारे के मुताबिक रूसी टीवी चैनल को दिए गए अपने हालिया इंटरव्यू में रूस के सदर ने कहा, ये मुबैना साजिश सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद से जारी है। मगरब यूक्रेन के जराइम में शरीक है। उन्होंने अपनी शरायत पर खसूसी तौर पर दुनिया को नई शक्ल देने की कोशिश की और हमारे पास रद्द अमल के सिवा कोई चारा नहीं था। पुतिन ने दावा किया कि अमरीका और उसके नेटो इतिहादी हमें स्ट्रेटेजिक शिकस्त देना चाहते हैं और इसका मकसद हमारे लोगों को तकलीफ पहुँचाना है। इन हालात में हम उनकी जौहरी सलाहियतों को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। पुतिन के ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब रूसी फौजियों ने यूक्रेन के मशरक में मकामी सतह पर कामयाबी हासिल की है, लेकिन वो कोई अहम पेशरफ हासिल करने में नाकाम रहे हैं। मास्को की फौजी तवज्जो पूरे डोंबास इलाके पर कब्जा करने पर मरकूज है, जिसका बेशतर हिस्सा कीव के कंट्रोल में है। दरिया असना वैगनर ग्रुप के बानी युगैनी प्रिगोजिन ने दावा किया था कि उनकी अफवाज ने यहीदने और करीबी गांव बरखियों पर कब्जा कर लिया है। ताहम यूक्रेन की फौज ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अभी मस्कूरा इलाके में शदीद लड़ाई जारी है। दूसरी जानब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने ताज़ा पैगाम में रूस को यूक्रेन के तमाम इलाकों बशमूल क्रीमिया से बेदखल करने के अज़म का आदा करते हुए कहा कि 9 साल पहले क्रीमिया में रूसी जहरियत शुरू हुई थी। हम क्रीमिया वापस आकर अमन बहाल करेंगे। ये हमारी ज़मीन है, हमारे लोग, हमारी तारीख, और हम अपना झंडा यूक्रेन के हर कोने में दोबारा लगाएंगे। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान अदीबा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।